और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने नशा करने वालों पर सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की इसके मुताबिक देश में करीब 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं जिसमें से करीब 6 करोड़ लोगों को इसकी लत या फिर इससे समस्या हुई है वही चरस गांजा भांग का सेवन करने वालों की संख्या करीब तीन करोड़ है जो सर्वे किया है सर्वे एजेंसी ने उन्होंने ऐसे लोगों का भी समावेश किया है इस सर्वे में जिसने एक दिन भी शराब का या किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है उसको भी इस परिभाषा में जोड़ लिया है अब ये कितना व्यवहारिक है कितना नहीं है ये बाद में सर्वे रिपोर्ट पर अध्ययन करेंगे तो निष्कर्ष निकालेंगे अफीम या हेरोइन जैसी ड्रग की बात करें तो देश में करीब सत्तावन लाख लोग नशे के लिए अफीम का सेवन कर रहे हैं वही एक करोड़ पच्चीस लाख लोग नशे के लिए हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं एक करोड़ अठारह लाख लोग नशीली दवाओं और सूंघने वाले नशे का सेवन कर रहे हैं चार लाख साठ हजार बच्चे सूंघने वाला नशा कर रहे हैं सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स ऑफ हेल्प वॉज स्पिरिचुअल हेल्प यानी उनको कुछ तरह की स्पिरिचुअल या धार्मिक मदद तो मिली प्रवचन तो मिला पर इलाज नहीं मिला जिसकी वजह से वो लोग अभी तक परेशान हैं। तो ऐसे लोगों के संख्या जो लोग इलाज मिला उनमें से भी ऐसे लोगों की संख्या जो लोग किसी अस्पताल में भर्ती हो पाए नशा मुक्ति केंद्र में वो बहुत ही नगण्य है तो इसका मतलब इलाज की सुविधाएं हमें बहुत बड़े स्तर पे व्यापक स्तर पे वो बढ़ानी पड़ेंगी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब दिल्ली छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गोवा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सबसे ज्यादा नशे की समस्या है रिपोर्ट के मुताबिक शराब के आदि 38 में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही नशे से छुटकारा पाने के लिए इलाज मिल पा रहा है सर्वे के कारण अब हमको पता लग गया है और इन्होंने निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे किया है घरों में जाकर के सर्वे किया है कुछ पता लगा है तो इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि उनको नशा मुक्ति केंद्र तक लाएं और ट्रीटमेंट दें ट्रेनिंग दें और ये नशा मुक्त होने के लिए प्रयास करें ये सर्वे 10 से पचहत्तर साल के उम्र के लोगों के बीच किया गया है जिसमें चार लाख सत्तर हजार से ज्यादा लोग शामिल थे सरकार के मुताबिक ये पहला सर्वे है जिसकी मदद से जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक योजना बनाकर उनकी मदद की जाएगी